आपने बात की थी एक्सेस साइन करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस और क्या काम होता है एसएपी सिक्योरिटी कंसल्टेंट का? तो एक्सेस एडमिनिस्ट्रेशन ये एक टैब होता है, रोल क्रिएशन ये आपके लिए एक अलग ड्यूटी है, ऑडिट रिपोर्ट्स निकालना, मंथली रिपोर्ट्स निकालना ये आपका एक अलग ड्यूटी है, इमरजेंसी एक्सेस देना लाइक फायर फाइटर आईडी, ओएसएसआईडी, ये एक काइंड ऑफ टेम्पररी एक्सेस होती है जहां पे आपके पीछे एक ऑडिट या ट्रेस लगा के रखते हैं और इन आईडी से आपको वो एक्सेस मिलती है जो जनरली आपको जेनरिकली नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल एक सुपरवाइजर है उसको टेम्पररी मैनेजरल एक्सेस चाहिए एंड सारे अप्रूवल्स होने के बाद हम उसको दे तो देते हैं बट ऐसा नहीं कि परमानेंट देते हैं, हम उसे बहुत टेम्पररी देते हैं लाइक फॉर 3 days, 6 days, 7 days जितने में उसका बिजनेस काम हो जाए, क्योंकि कोई तो रीजन होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैनेजर छुट्टी पे गया है एंड फॉर दैट रीजन उसको वो एक्सेस चाहिए थी तो हमने उसे 3 दिन की दी, 1 हफ्ते की दी, उसे और अप्रूवल चाहिए तो हम सारे लाइन अप्रूवल से आईसी से अप्रूवल लेके आते हैं और वो हम उसे एक्सेस दे देते हैं। तो ये सबका मतलब ध्यान रखना इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एसएपी सिक्योरिटी और ऑडिट रिपोर्टिंग जितनी भी रहती है। एसएपी प्लेटफॉर्म पे हम ओएसएसआईडीज वगैरह भी बनाते हैं, अगेन उसका भी काम यही है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेस देना। There's also one more access जो हम देते हैं, एक होता है इंटरनल सिस्टम, एक होता है एक्सटर्नल, मतलब बहुत सारी ऐसी सिस्टम्स होती है जिनका एक्सेस एसएपी के आउटसाइड में, जैसे फियरी एप्लीकेशंस, तो एसएपी फियरी एक पार्ट है जहां पे आप मोबाइल एप्लीकेशंस पे भी एक्सेस देते हो, जब कंस्ट्रक्शन में मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स में जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जब वो एक्चुअली ऑन ड्यूटी प्रॉपर ब्लू कलर जॉब कर रहे होते हैं तो उनको फोन बहुत हैंडी होता है, टैब्स बहुत हैंडी होते हैं, तो एसएपी फियरी एप्स रखते हैं और उसमें जितनी भी एप्लीकेशन इंटरफेस होती है एक्सेस होती है वो एक और उसकी भी एक्सेस इन्हीं के थ्रू दी जाती है बट उसका नेमिंग कन्वेंशन अलग होता है, उसमें कोई ट्रांजैक्शन कोड इन्वॉल्व नहीं होता बट उसमें ये होता है कि हाँ ये पर्सन के पास अगर ये एक्सेस है तो ये एग्जैक्टली वेब पेज वो खोल पाएगा और उसके अंदर उसको वो चीजें दिखेंगी, उसमें थोड़े डेवलपमेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं बट ऑल्सो एसएपी फियरी इज अ पार्ट ऑफ इट। तो ये मतलब आपका हो गया ऑलमोस्ट 5 entities जहां तक एक मैं बोलूंगा 0 to 3 year एक्सपीरियंस को नीड रहती है जितना उसका काम रहता है। थोड़े ऊपर जाने के बाद आप ऑडिटिंग रिपोर्टिंग में जाते हो जहां पे कंप्लीट कंप्लायंस मेजर्स पे आप चेक करते हो सारी एक्सेस सही से दी गई कि नहीं, मंथली रिपोर्टिंग चेक करते हो और वो आप अपने सीनियर्स और पीयर्स को फॉरवर्ड करते हो, मोस्टली ये क्लाइंट्स को जाता है जहां पे आप ये बताते हो कि आप सारे कंप्लायंस फॉलो कर रहे हो एज पर एसएपी गाइडलाइंस एंड एज पर कंपनी पॉलिसीज कि जितनी भी चीजें सारे मेंटेन्ड है। थोड़ा और सीनियर लेवल पे आप जाओ अगर अराउंड 6 to 10 years देन आप आर्किटेक्चरल पे आते हो जहां पे ऐसा होता है कि आप क्लाइंट से जैसे मैं अपने करंट रोल में ये काम करूंगा जहां पे आप क्लाइंट से डायरेक्ट इंटरेक्शन करोगे और उनकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से पूरी की पूरी आर्किटेक्चर पूरी फ्रेमवर्क बना के दोगे एसएपी सिक्योरिटी में कि आपको आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस बेसिस पे मैं बैक साइड आऊंगा टीम को बताऊंगा और उस हिसाब से पूरी डिजाइनिंग होगी। तो ये आपको थोड़े एक्सपीरियंस के बाद मिलता है जहां पे आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग है इंटरनल सिस्टम की तो पूरी फ्रेमवर्क बनाने का पूरी पूरी छूट मिलती है। तो फर्स्ट आप साइड बाय साइड काम करते हो एक आर्किटेक्ट के और फिर आप एसएपी आर्किटेक्ट खुद बनने की पोजीशन में आ सकते हो। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ लाइन ड्यूटी जो आप साथ में कर पाओगे एंड इसमें आप साथ में प्रमोशंस पे अगर आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो तो धीरे धीरे इन लाइन जो है आपकी नीचे ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूटीज धीरे धीरे हट जाती है बट मोर इनटू ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग आ जाती है जहां पे ध्यान रखना और कंप्लायंस मेजर करना रेगुलर ऑडिट्स करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर मैं एसएपी सिक्योरिटी में जाना चाहता हूं तो मैंने लिंक्डइन में बहुत सारी चीज देखी है, जैसे मैं जॉब सर्च कर रहा हूं तो उसमें जीआरसी भी मांगते हैं right. तो ये कंपलसरी है क्या अगर मुझे एसएपी सिक्योरिटी में जाना है तो जीआरसी कंपलसरी है कि जीआरसी भी आना चाहिए? अगर जीआरसी नहीं आता तो एसएपी सिक्योरिटी में कंपनी चेंज करना थोड़ा टफ हो जाएगा। ये एक रिक्वायरमेंट है जो अभी बहुत लेटेस्ट अराउंड 5 to 5 years में देखी गई है कि ये साइड बाय साइड आती है, साथ में ही आती है कि अगर आपको एसएपी सिक्योरिटी आती है तो जीआरसी कॉन्सेप्ट्स भी आने चाहिए बिकॉज एसएपी सिक्योरिटी इज जस्ट पार्ट ऑफ इट। एक्चुअली ऑल टुगेदर सब बेसिस से ही आए थे बट धीरे धीरे अपने अपने पार्ट्स में जब ये डिवाइड हुए तो लोगों को ये पता चला कि सिक्योरिटी में आप सिर्फ एक यूजर एडमिनिस्ट्रेशन करते हो, जैसे एक पासवर्ड रिसेट करते हो, लॉग इन करते हो, एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन करते हो, रोल्स मैनेज करते हो, रोल एडमिनिस्ट्रेशन करते हो, पर जीआरसी से क्या होता है कि आप एक कंप्लीट एसएपी सिक्योरिटी एंड जीआरसी कंसल्टेंट बनने की लाइन में आ जाते हो जहां पे आपको ये भी पता है कि यूजर एक्टिविटीज अगर कभी कुछ कर रहा है तो आपने एक्सेस तो दे दी पर वो पीछे क्या कर रहा है वो अगर आपको नई नॉलेज है तो बेसिकली आपने बस फ्रंट एंड देके और आप निकल गए और आपने बोला कि समवन विल कम एंड मेरा काम कोई और कर लेगा। तो ये पूरा जैसे हम शायद कोडिंग की दुनिया में बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपर,
जो फ्रंट एंड बैक एंड दोनों देख लेता है। तो सिक्योरिटी और जीआरसी उसी वे से काम करती है कि फ्रंट एंड बैक एंड दोनों देख पा रहा है। तो ये दोनों साथ में इसलिए डिमांड में आ रही है बिकॉज थोड़ा क्रंच है मार्केट में। वो सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी नहीं चाहते, जब वो एक जॉब ओपनिंग खोलते हैं तो हमेशा लुकआउट पर रहते हैं कि दोनों के दोनों अगर एप्लीकेशन आ रही होगी तो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के पास एक बेटर कमांड होगा इस टोटल टेक्निकल एक्सपर्टीज पे। ओके,